हेलो स्टूडेंट, टुडे वी स्टार्टेड वेरी न्यू टॉपिक स्ट्रेटजी इन एनहेंजमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन। तो आज अपन लोग इसका मतलब जो भी एनिमल्स वाला पार्ट है, जूलॉजी वाला पार्ट, आज अपन लोग इसको कवर कर लेंगे। इसके बाद सेकेंड पार्ट में इस चैप्टर को कंप्लीट फिनिश कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन लोग बात करते हैं कि कोई भी अपन लोग चैप्टर देखते हैं तो चैप्टर के सबसे पहले अपन लोग देखते हैं कि उस चैप्टर का नेम का मीन्स क्या होता है। तो स्ट्रेटजीज का मीन्स क्या है, मतलब अपन लोग ऐसी टेक्निक्स का यूज़ करेंगे जिससे क्या कर सकें, अपन लोग एनहांसमेंट कर सकें किसका, फूड प्रोडक्शन का, ठीक है। उसे अपन लोग क्या बोल देते हैं, उसे अपन लोग बोल देते हैं स्ट्रेटजीज इन एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन। अब बात आती है कि फूड प्रोडक्शन इंक्रीज करना क्यों है, क्यों इंक्रीज करना है। तो इसका रीज़न क्या है कि दिन ब दिन क्या हो रहा है, पॉपुलेशन तो इंक्रीज़ हो रही है ना, इसमें तो अपना भारत महान है। तो जिसके वजह से क्या होगा, यदि पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगी तो अपन लोग क्या करेंगे, फूड को भी इंक्रीज़ करेंगे, तभी ही क्या होगा, कोई भी पर्सन सर्वाइव कर सकेगा। तो सबसे पहले अपन लोग जो इसमें पढ़ते हैं, तो सबसे पहले अपन लोग पढ़ते हैं एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री मतलब अपन लोग कैसे एनिमल्स को एक तरीके से रखते हैं, ठीक है, उनकी केयर करते हैं, कैसे अपन लोग उनसे प्रोडक्टिविटी लेते हैं, डेट इज़ ए एनिमल हस्बेंड्री। तो सबसे पहले अपन लोग देखते हैं एनिमल हस्बेंड्री है क्या। तो एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है, तो एनिमल हस्बेंड्री को अपन लोग क्या बोलेंगे, द एग्रीकल्चर प्रैक्टिस ऑफ ब्रीडिंग एंड रेजिंग लाइफ स्टॉक बाई अप्लाइंग साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, ठीक है। कि अपन लोग जो भी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की हेल्प से ब्रीडिंग को कैसे रेज कर रहे हैं, लाइफ स्टॉक को ग्रो कर रहे हैं साइंटिफिक तरीके से। लाइफ स्टॉक क्या होते हैं, लाइफ स्टॉक ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनसे अपन लोग क्या करते हैं, कोई भी प्रोडक्टिविटी ले रहे हैं, उनसे प्रोडक्ट्स को ले रहे हैं, डेट इज़ ए लाइफ स्टॉक। लाइक एज बफेलो, काउ, पिग्स, हॉर्सेस, कैटल्स, सीप, कैमल्स, गॉट्स, बीस, सिल्कवर्म एटसेट्रा, ठीक है। और जो पिक्स का जो भी मीट्स होता है, डेट इज़ ए पोर्क, ठीक है, इसे अपन लोग क्या बोलते हैं, पोर्क। समझ में आ गया, चलो इसके बाद आगे चलते हैं। देखो अब 70% मोर देन 70% लाइफ स्टॉक अपने इंडिया और चाइना में है, ठीक है, सबसे ज़्यादा, लेकिन इनकी प्रोडक्टिविटी की बात करें तो कितनी है, 25%। अब ये जो 25% प्रोडक्टिविटी है, इसे अपन लोगों को बढ़ा के क्या करना है, 90% करना है। तो अपन लोग कैसे कर सकते हैं, वही सब टेक्निक्स के बारे में अपन लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। अब देखो ये तो हो गया एनिमल हस्बेंड्री, इसके बाद आता है डेयरी फार्म मैनेजमेंट, मतलब अपन लोग कैसे डेयरी फार्म मैनेजमेंट, मतलब कैसे अपन लोग मिल्क का प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है, और मिल्क से बनने वाले प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, डेट इज ए डेयरी फार्म मैनेजमेंट। कैसे करोगे, मिल्क यील्ड इज प्राइमरी डिपेंडेंट ऑन क्वालिटी ऑफ ब्रीड, ठीक है, किस पर डिपेंड करता है, क्वालिटी ऑफ द ब्रीड पर। अब ब्रीड कैसी होनी चाहिए, ब्रीड होनी चाहिए डिजीज रेजिस्टेंस, ठीक है, और सुपीरियर होनी चाहिए, ठीक है, ये दो बातों का याद रखना है। हाउसिंग वाटर डिजीज रेजिस्टेंट, ठीक है, जहां उन्हें रख रहे हो साफ सफाई हो, वाटर मिले उन्हें, जैसे अपन को वाटर चाहिए होता है, क्यों, क्योंकि वो भी डिहाइड्रेटेड हो सकते हैं, डिजीज रेजिस्टेंट हो, वहाँ पर कोई डिजीज़ है तो उससे क्या करना चाहिए उन्हें, अपन लोगों ने सुरक्षित रख सकें। फीडिंग ऑफ कैटल्स इन साइंटिफिक, ठीक है, एकदम उनका फीडिंग क्या हो, साइंटिफिक मैनर में हो, जैसे जैसे कि कोई एक यदि मान लो कि एक कॉल्प्स या फिर बछड़ा होता है तो उसको अपन लोग क्या करते हैं, नॉर्मली फूड देते हैं, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होता है तो अपन लोग उसको भूसा वगैरह, हेजिंग वगैरह डाल देते हैं, ठीक है। तो सब चीज़ें साइंटिफिक मैनर में होना चाहिए। स्ट्रिंजेंट क्लीननेस एंड हाइजीन ऑफ कैटल्स एंड हैंडलर्स, ठीक है। अब मतलब जो वहाँ पर इंसान जो दूध को निकाल रहा है उसके, ऐसा नहीं हो कि उसने हाथ नहीं धोए और पहुँच गया दूध निकालने, लेकिन प्रॉपर होना चाहिए सभी चीज़ें। रेगुलर विजिट बाई वेटरनरी डॉक्टर्स, ठीक है, डॉक्टर्स आते रहना चाहिए कि उनकी जो भी कैटल्स हैं वो बीमार ना हो, और हों तो जो भी उसका ऑनर है उसको बता दें कि आपके उसको ये डिजीज़ है तो वो उसको उसको ट्रीट कर सके, ठीक है। तो ये तो हो गया अपना डेयरी फार्म मैनेजमेंट, ठीक है, इसी को अपन लोग क्या बोलते हैं, इसी को अपन लोग बोल देते हैं वाइट रिवॉल्यूशन, ठीक है। जब मिल्क प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, डेट इज ए वाइट रिवॉल्यूशन। समझ में आया, सॉरी यार आँख में कुछ चला गया।
इसके बाद आता है पॉलिट्री फार्म मैनेजमेंट। ठीक है, पॉलिट्री फार्म मैनेजमेंट में अपन लोग क्या करते हैं, डोमेस्टिकेटेड फॉर बर्ड्स यूज्ड फॉर फूड और एग्स। ठीक है, सिर्फ अपन लोग उसमें चिकन टर्कीज चिकन अकेला को नहीं रख रहे हैं, उसमें डक्स भी रख रहे हैं, टर्कीज भी रख रहे हैं, गीज भी रख रहे हैं, बर्ड्स भी रख रहे हैं। डेट ऑल आर पॉलिट्री फार्म मैनेजमेंट। ठीक है, अब एनिमल ब्रीडिंग की बात करें। एनिमल ब्रीडिंग में क्या होगा, सिमिलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यदि जो भी मेटिंग की जा रही है सिमिलर ऑर्गेनिज्म के बीच और सेम ब्रीड में हो रहा है, डेट इज ए एनिमल ब्रीडिंग। आउट ब्रीडिंग क्या होता है, आउट ब्रीडिंग होता है मेटिंग ऑफ डिफरेंट ब्रीड। ठीक है, यदि अपन लोग डिफरेंट ब्रीड में करा रहे हैं, डेट इज ए आउट ब्रीडिंग। अब देखो इन ब्रीडिंग को थोड़ा और डिटेल में समझ लेते हैं। मेटिंग ऑफ मोर क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स। ठीक है, सेम ब्रीड तो है लेकिन क्लोजली भी होना चाहिए और 4 to 6 जनरेशन तक अपन लोगों ने उनके बीच में मेटिंग किया हो। ठीक है, डेट इज ए इनब्रीडिंग। अब इनब्रीडिंग के क्या क्या एडवांटेजेस हैं, होमोजाइगोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, एक्सपोज्ड हार्मफुल रिसेसिव जीन। ठीक है, एक्सपोज्ड हो जाएंगे हार्मफुल रिसेसिव जीन्स और एलिमिनेट हो जाएंगे और डिजायरेबल जीन्स अपन लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन देखो अब कोई भी चीज़ का यदि बेनिफिट होता है तो उसका क्या होता है, बहुत ज़्यादा नुकसान भी होता है। तो नुकसान क्या है, इसमें अपन लोगों को देखने को मिल जाता है इनब्रीडिंग डिप्रेशन। ठीक है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होता है, कंटिन्यूस जो अपन लोग इनब्रीडिंग करवाते जाएंगे तो उसकी वजह से इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाएगा, जिसकी वजह से फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाती है और प्रोडक्टिविटी भी डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, अब देखो कोई भी यदि कोई भी चीज़ हुई है तो अपन लोग क्या करते हैं, उसका सॉल्यूशन भी होता है। सॉल्यूशन क्या है, आउट क्रॉस करवा दो भैया। ठीक है, डिफरेंट ब्रीड के साथ, ये उसका सॉल्यूशन है, समझ में आया। इसके बाद अपन लोग देखते हैं आउट ब्रूडिंग के टाइप्स। ठीक है, तो इसमें आता है आउट क्रॉस। आउट क्रॉस क्या होता है, तो आउट क्रॉस होता है मेटिंग ऑफ एनिमल्स विद इन सेम ब्रीड, नो कॉमन एंसेस्टर। ठीक है, सेम ब्रीड तो है लेकिन उनके एंसेस्टर कॉमन नहीं है, मतलब 4 to 6 जनरे तक अपन लोगों ने सेम से नहीं कराया है, डेट इज ए आउट क्रॉस। ठीक है, यही ओवरकम करता है इनब्रीडिंग डिप्रेशन को, समझ में आ गया। देखो नेक्स्ट अपन लोग जानते हैं क्रॉस ब्रीडिंग। क्रॉस ब्रीडिंग क्या होता है, मेटिंग बिटवीन डिफरेंट ब्रीड। ठीक है, मेटिंग तो करा रहे हैं, ठीक है, लेकिन डिफरेंट ब्रीड के साथ, स्पेसीज सेम है। ठीक है, याद रखना, जैसे इसका एग्जांपल आता है हिसारडेल। ठीक है, अब हिसारडेल का फॉर्मेशन किस किस से होता है, तो हिसारडेल 2 अलग अलग सीप से बनी हुई है। ठीक है, एक तो बिकानरी ईप्स और मैरिनो रैम्स, जब ये दोनों मेटिंग करते हैं तो फॉर्मेशन होता है हिसारडेल का। ठीक है, हिसारडेल सीप है जो कि कहाँ की है, पंजाब, समझ में आया। देखो इंटर स्पेसिफिक क्या होता है, मेटिंग बिटवीन डिफरेंट स्पेसीज। ठीक है, सेम स्पेसीज नहीं है, अलग अलग स्पेसीज के बीच में करा दिया है, इसे अपन लोग क्या बोल देंगे, इसे इंटर स्पेसिफिक। देखो इसका एग्जांपल आ जाता है म्यूल। ठीक है, म्यूल इसमें क्या आते हैं, मेल डंकी और फीमेल हॉर्स। ठीक है, लेकिन 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 देखो लेकिन क्या याद रखना है, लेकिन एक बात याद रखना है, डेट इज डिसऑबे बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेसीज। ठीक है, फॉलो नहीं करता है कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेसीज को, क्यों, क्योंकि इस अर्नेस्ट मेयर ने यह बताया था कि जो भी होगा यदि ये डिसऑबे करेगा बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट को, तो इससे जो भी स्पेसीज का फॉर्मेशन होगा डेट इज ए स्टेराइल। ठीक है, तो वो सभी स्पेसीज कैसी हो जाएंगी, स्टेराइल हो जाएंगी। ठीक है, तो जो म्यूल बनता है वो कैसा होता है, वो होता है स्टेराइल, समझ में आया। ठीक है, चलो फिर आगे चलते हैं। इसके बाद आता है कंट्रोल्ड ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो सबसे पहला आ जाता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या होगा, देखो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या होता है, अपन लोग सीमेन कलेक्ट कर रहे हैं। अब मान लो कि कोई एक ब्रीड है, अपन लोगों ने ब्रीड देखा कि कोई एक बैल है जैसे कि अमेरिका का है, तो भाई अभी अपन लोगों को उससे क्या करना है, क्रॉस करवाना है। तो अब उस बैल को अपन लोग लेके तो आएंगे नहीं, या क्या करेंगे, उसका सीमेन लेंगे और उसको क्या करेंगे, अपन लोग प्रिजर्व कर लेंगे किसमें, -196 डिग्री सेंटीग्रेड लिक्विड नाइट्रोजन में। ठीक है, और इसको क्या कर देंगे, फिर सिलेक्टेड फीमेल के अंदर इनकॉर्पोरेट कर देंगे उसके रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, डेट इज ए आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, समझ में आया। चलो इसके बाद लास्ट आता है मल्टीपल ओबुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर, MOET, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, याद रखना। ठीक है,
तो क्या हुआ? देखो इसमें कुछ बहुत ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। नॉर्मली अपने पास मान लो कि कोई एक सुपीरियर काऊ है, ठीक है। वो क्या है, वो नॉर्मली पहले काऊ एक कोई एग दे रही थी, लेकिन अपन लोगों ने FSH उसको देकर क्या किया, उससे ओबम प्रोड्यूस कर लिए 6 to 8, ठीक है। अब क्या करवाएंगे, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवाएंगे। यदि 6 to 8 ओबम बन गए हैं तो 6 to 8 क्या बन जाएंगे, जाइगोट। और उसमें क्या होगा, जो स्टेज आएगी वो आ जाएगी 8 to 32 सेल स्टेज, ठीक है। और नॉन सर्जिकली अपन लोग क्या करेंगे, इसको एक सरोगेट मदर के अंदर इनकॉर्पोरेट कर देंगे और अपन को बहुत सारी प्रोजेनीज मिल जाएंगी। समझ में आया क्या होता है मल्टीपल ओबुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर? देखो इसके बाद अपन लोग चलते हैं नेक्स्ट आगे। नेक्स्ट आता है बी कीपिंग, ठीक है। अब देखो बी कीपिंग में क्या है, इसे अपन लोग एपिकल्चर भी बोलते हैं। एपिकल्चर क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा स्टडी है वो की गई है एपिस इंडिका, ठीक है। ए हाउस सॉरी जो बीज होती हैं उनका साइंटिफिक नेम होता है। तो भैया कैसे रखोगे आप लोग, कैसे करोगे बी कीपिंग, क्योंकि बी कीपिंग पालना कोई मजाक नहीं है। पता चला तुमने ऐसी बी कीपिंग कर ली, तुमने तुम बी उसमें से क्या कर रहे हो, हनी को निकाल रहे हो, ठीक है। पता चले तुमने मधुमक्खियों ने काट लिया। तो क्या होता है, मेंटेनेंस ऑफ रिप्रोडक्शन सॉरी प्रोडक्शन ऑफ हनी एंड बी बैक्स, ठीक है। अपन लोगों को मैनेज करना पड़ेगा हनी को और बी बैक्स को। फूड ऑफ हाई न्यूट्रिटिव एंड मेडिसिनल वैल्यू, ठीक है। हाई मेडिसिनल वैल्यू होती है, बी बैक्स इज यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ कॉस्मेटिक्स एंड पॉलिश, ठीक है। कॉस्मेटिक्स और पॉलिसिस भी अपन लोगों को इससे मिलते हैं। एपिस इंडिका यूज करते हैं, मोस्ट कॉमन हनी बी स्पेसीज होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लो इसके क्या क्या हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर सक्सेसफुल बी कीपिंग, नॉलेज ऑफ नेचर ऑफ हैबिट, ठीक है। उनका अपने लोगों को नॉलेज होना चाहिए, ऐसी बी ना ले जो काट काट के लाल कर दे। सिलेक्शन ऑफ सिचुएबल लोकेशन, जहाँ पर रख रहे हैं वो सिचुएबल लोकेशन, उन्हें फूड मिल सके। कैचिंग एंड हाइविंग ऑफ स्वाम्प्स, ठीक है, उनके बिहेवियर के बारे में पता हो। हैंडलिंग एंड कलेक्शन ऑफ हनी बी, ठीक है, कैसे कलेक्ट करना है, ये सभी चीज़ें अपन लोगों को पता होना चाहिए। बी क्या होते हैं, पॉलिनेटर्स भी होते हैं प्लांट्स के लिए, याद रखना, सनफ्लावर ब्रासिका। इसके बाद आता है फिशरीज, ठीक है। फिशरीज क्या होता है, अपन लोग जो भी मतलब फिशेज को पाल रहे हैं डेट इज ए फिशरीज, ठीक है। इसके अंदर पर फिश ही नहीं आती है, मोलस्क भी आते हैं, क्रस्टेशियंस भी आते हैं। क्या करेंगे, कैचिंग प्रोसेसिंग और सेलिंग, ठीक है। कैसे पकड़ना है, प्रोसेस उसका और कैसे सेल करना है। इसके अंदर कुछ एनिमल्स, प्राउन क्रॉप्स, लॉस्टर, एडिबल ऑस्टर, ठीक है, ये सभी चीज़ें आ जाती हैं। फिश को अपन लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, फ्रेश वाटर फिशेस और मैराइन फिशेस। फ्रेश वाटर में कौन सा आता है, कटला, रोहू, कॉमन क्राप, कॉमन कार्प्स। इसमें कौन से आते हैं, हिल्सा, सार्डिन्स, मैकरेल्स, पॉम्परेट्स, ठीक है। अब देखो फिश प्रोवाइड्स इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, बहुत सारे लोगों को रोजगार देती हैं। एक्वाकल्चर क्या होता है, वाटर प्लांट्स एंड एक्वाटिक एनिमल्स, ठीक है। पिसीकल्चर सिर्फ जिसमें अपन लोग स्टडी करते हैं फिशेस की। ब्लू रेवोल्यूशन क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ फिशेस, ठीक है। तो ये था अपन लोगों का पूरा मतलब एनिमल हस्बेंड्री का पार्ट्स, ठीक है, याद रखना। इसके बाद अपन लोग नेक्स्ट पार्ट में पूरा इस कंप्लीट चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। और यदि PDF चाहिए हो तो भाई या तो मुझे इस नंबर पे भेज देना, ठीक है, या तो मुझे DM कर देना इंस्टा पर सेवाय 096। थैंक यू सो मच वॉचिंग एंड बाय बाय।